2024 के चुनावी नतीजों के बाद संसद में एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच शक्ति परीक्षण, शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं, पहली घड़ी जो है वो देखने को मिल रही है। आज का दिन काफी अहम होने वाला है श्वेता, क्योंकि माना यह जा रहा था कि ओम बिरला की जीत यूं ही हो जाएगी, कोई विपक्ष जो है अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगा, लेकिन अब उम्मीदवार उतारने के बाद इंटरेस्टिंग फाइट दिख रही है। और इसलिए सवाल सबके जहन में ये होगा, क्योंकि लगभग ये तय है आंकड़ों के मुताबिक कि एनडीए के उम्मीदवार जो है स्पीकर पद के ओम बिरला, उनकी जीत निश्चित है, लेकिन इंडी गठबंधन ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है, तो इसके पीछे का खेल क्या है ये समझने के लिए इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को सर्वसम्मति से चुनने के लिए कांग्रेस ने लोकसभा उपाध्यक्ष पद विपक्ष को देने की मांग कर दी। एनडीए से हामी नहीं मिली तो मामला अब संसद में शक्ति परीक्षण तक पहुंच गया है। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला के मुकाबले कांग्रेस ने 8 बार के सांसद के सुरेश को मैदान में उतारा है। राहुल गांधी को नेता विपक्ष चुनने के बाद इंडी गठबंधन ने इसका ऐलान कर दिया। ये जानते हुए कि ये बाजी हारी हुई है, इंडी गठबंधन के इस दांव में बड़ा पेच ममता बनर्जी ने फंसा रखा है, जो के सुरेश की उम्मीदवारी पर खुश नहीं है। जय संविधान। कांग्रेस पार्टी के इस विद्वेषतापूर्ण व्यवहार की वजह से टीएमसी की नेता ममता बनर्जी ने अपने आप को अलग किया। सूत्रों से खबर है कि ममता को मनाने के लिए राहुल ने फोन पर 20 मिनट बात की, लेकिन टीएमसी का रुख साफ नहीं है। हालांकि कांग्रेस अपने 98 सांसदों समेत कुल 237 सांसदों के समर्थन का दावा कर रही है। उधर एनडीए के पास 293 सांसदों का समर्थन है और उनकी रणनीति लोकसभा स्पीकर के चुनाव में 300 से ज्यादा सांसदों के समर्थन हासिल कर इंडी गठबंधन को फिर करारी पटखनी देने की है।